आपका अपना आरजी किचन में आप लोग का स्वागत है। तो इस तरह से अगर अचार बनाना चाहते हैं तो आप लोग फुल वीडियो देखिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल बटन को दबा दीजिएगा और फिर लाइक कर दीजिएगा। कटहल का पीस इतना ही छोटा छोटा रहेगा और इसको उबाल लेंगे हल्का हल्दी डालकर आधा चम्मच। तो उबालना बहुत मस्त है इसलिए उबाल लीजिएगा आप लोग भी अचार के लिए। देखिए इस तरह से उबल जाएगा, किस तरह से सिंज जाएगा, देख रहे हैं सिंज गया हुआ है, देख लीजिए इस तरह से। बीचा भी रहने देंगे अचार में, बीचा भी बहुत बढ़िया लगता है। इसको धूप में सूखने के लिए डाल देंगे, बिछा देंगे सूती कपड़ा बिछा कर और पूरा फैला देंगे इसको। तो एक दिन चाहे दो दिन इसको धूपा लगाना ज़रूरी है और ज़्यादा धूपा मत लगाइएगा। देखिए हल्दी डाला हुआ है कलर के लिए हल्का, और इसमें नमक नहीं पड़ा है तो उबालते समय नमक नहीं डालना है। इसी तरह हल्दी की ओर डालकर पानी में उबाल लेना है, उसके बाद सूखने के लिए डालना होगा। देखिए सूख गया है, 3 घंटा रखे हुए थे, अब इससे ज़्यादा नहीं सुखाना है, देख रहे हैं ना इस तरह से। अचार के मसाला के लिए गोलकी दाना, जीरा 2 चम्मच, धनिया 3 चम्मच, मेथी 1 चम्मच, इसको भून लेते हैं पहले। सौंफ भी 2 चम्मच, सारे मसालों को भून लेते हैं। ज़्यादा भूनना नहीं है, खाली नमी हटाना है इसका, तो ठंडा होने देते हैं और दरदरा पीस लेंगे। सरसों का पाउडर है, दरदरा पिसा हुआ है, ये जो मसाला भूंजे हुए थे वो है, हल्दी है, मगरेला है, ये मसाला में काला नमक, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा नमक ज़्यादा ही पड़ेगा, हींग 3 चम्मच, पचफोरन, इसमें सारे मसाले खारा है, कटहर के अचार में खटाई जरूर पड़ता है, या तो आम या तो आमचूर 4 चम्मच, आमचूर, कश्मीरी मिर्चा कलर के लिए 3 चम्मच, तीखा के लिए लाल मिर्चा पाउडर, तीखापन के लिए, अचार तीखा और खट्टा रहता तो अच्छा लगता है। देखिए एक दिन धूप दिखाएं, इस तरह से हो गया, तो ज़्यादा नहीं सुखाना है, इसी तरह रखना है। तेल गरम है, इसमें मसाले को डालकर पूरा मिक्स कर देंगे इस तरह से, कम तेल लगेगा तो तेल और डाल देंगे। कटहर को बीच में डालकर मिला लेंगे इस तरह, सारे मसाले को मिला लेंगे कटहर में, तो एक दिन धूप दिखा देंगे, क्योंकि पहले भी धूप दिखाए हुए हैं। तो तैयार हो गया है, इसी तरह कटहर को अचार को तैयार करना है, और खट्टा जरूर पड़ता है कटहर का अचार में, बिना खट्टा का कटहर का अचार अच्छा नहीं लगता है। अगर आम है तो उसको भी काट कर डाल सकते हैं साथ में, नहीं तो आम चूर जरूर डालिएगा, इसका टेस्ट और कुछ खाने में बहुत टेस्टी होता है, अच्छा लगता है। तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कटहर का अचार आप लोग डाले हैं कि नहीं, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो हमारा कटहर का अचार तैयार हो गया है, इसको डब्बा में भर के टाइट डब्बा में इसको रख दीजिएगा।
एक बार आप लोग भी कटहर के अचार बनाकर खाइए और बताइए कैसा लगा आप लोग को। कटहर का अचार खाने में बहुत टेस्टी होता है और बहुत अच्छा लगता है खाना के साथ। इस तरह भी खा सकते हैं, बना के रख लीजिए, सालों साल ख़राब नहीं होगा, अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से बना कर हम दिखा दिए हैं, तो आप लोग भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा।